हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृतिका एंड यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा से बॉडी उबटन एंड दिव्य कांति लेप को यहाँ पे क्यों दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बॉडी उबटन एंड दिव्य कांति लेप में बेसन मिला के किस तरीके से मैं इस उबटन को अपने लिए बनाती हूँ, जो कि मैं अपने फेस पे और अपनी बॉडी पे अप्लाई करती हूँ, जो कि अगेन आपको हेल्प करेगा आपके पिंपल्स में, आपके रिंकल्स में और आपके फेस पे ग्लो लाने में, आपकी बॉडी में भी हेल्प करता है ये। तो किस तरीके से मैं इसको अपने लिए बनाती हूँ, और मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं इसको किस तरीके से अपने लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पर अगेन मेरे पास दिव्य कांति लेप है एंड दिव्य बॉडी ओपन है, जिसका इंडिविजुअल रिव्यू मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में किया है। तो डू चेक दोज वीडियोस और मुझे बताइएगा उन वीडियोस के बारे में भी कमेंट डाउन करके, आपको वो वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो भी आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो कि मैं इन दोनों को मिला के कैसे अपने लिए बॉडी ओपन या पूरा एक लेप जो है मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी बाउल है एंड यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी दूसरे बाउल में बेसन है जो कि मैं इसमें मिलाऊँगी। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको किससे किस तरीके से बॉडी ओपन या लेप आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने इसी बॉक्स में से बॉडी ओपन यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैं अगेन एक स्पून ऑफ बॉडी ओपन ले लूँगी बाउल में। उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी ये दिव्य कांति लेप अवेलेबल है मेरे पास, जो कि मैं अगेन इसका हाफ अ टेबल स्पून जो है मैं इसमें कांति लेप ले लूँगी, जो कि अगेन मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ये चिकपी फ्लावर या आप इसको बोल सकते हैं बेसन, जो कि अवेलेबल है। इसको आप थोड़ा सा और लाइक काइंड ऑफ एन टेबल स्पून आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसमें मिक्स करने के बाद मैं इसमें हनी एंड गुलाब जल मिलाऊंगी, तो ये काइंड ऑफ एन टेक्सचर हो जाएगा अगेन मिक्सचर ऑफ दिव्य कांति लेप और उबटन का। जिस तरीके से आपने कांति लेप का उबटन देखा था कि वो डार्क एकदम डार्क ब्राउन कलर में हो जाता है, उस तरीके से इसका भी सेम तरीके से वो डार्क ब्राउन कलर में हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास अगेन डबल गुलाबरी गुलाब जल अवेलेबल है, प्लस पतंजलि का हनी अवेलेबल है, जो कि मैं इसमें मिक्स करके इसको बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कुछ पम्प्स जो हैं इसके ले लूँ। तो यहाँ पे आपको थिक पेस्ट चाहिए या लाइक पतला पेस्ट चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें कुछ पम्प्स जो हैं गुलाब जल के मिला रही हूँ। उसके साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास पतंजलि हनी अवेलेबल है, जो कि अगेन मैं उसके टू थ्री टेबल स्पून्स ले लूँगी। जिस तरीके से आपको रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप उसको यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं। तो आई एम टेकिंग टू टेबल स्पून ऑफ हनी हेयर, जो कि आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हनी गुलाब जल बॉडी उबटन एंड दिव्य कांति लेप को मिला के मैंने ये, और उसमें बेसन भी आई एम सॉरी मिलाया हुआ है। तो उस तरीके से आप ये बना के आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अगेन आपके अगर हम फेस की बात करते हैं तो फेस पे अगेन आपके पिंपल्स को, रिंकल्स को, एक्ने को, स्कार्स को रिड्यूस करने में, रिमूव करने में, रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगा। तो अगेन आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं तो वो भी उसको कम करने में या उसको दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। प्लस आप इस लेप को या इस उबटन को थोड़ा सा थिक पेस्ट बना के आप इसको अपने बॉडी पे, हैंड्स पे एंड लेग्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी टैंड बॉडी है तो भी उसको रिमूव करने में ये इजीली हेल्प करेगा। तो दिस इज़ अ टेक्सचर विच इज़ हियर, तो आप इसको अपने फेस पे एंड अपनी बॉडी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और फेस पे भी अगेन आप फेस पे इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखिएगा। और अगेन जैसे मैंने आपके अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप इसको गुलाब जल लेके या पानी लेके आप टैप टैप करके अपने फेस पे इसको रिमूव कर सकते हैं, देन यू कैन वॉश योर फेस। और बॉडी पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि प्रीवियसली हम लाइक अपने पुराने एज में या पहले जैसे हम बेसन का उबटन बनाते थे उसको हम लगाने के बाद उसको छुटाते थे, वैसे ही आप इसको भी लगा के आप उसको रिमूव कर सकते हैं।
आप उस उपटन को बना के डेफिनेटली यूज़ करेगा और मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि किस तरीके से आपकी बॉडी पर हेल्प किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ये वीडियो अगर आपको लगा हो कि कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।